गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास ट्वेल्थ में मैथ का आपको सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा, जिसमें पढ़ाऊंगा वेक्टर अलजेब्रा। इसकी एक्सरसाइज है 10.3। इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल हम सॉल्व करवा चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो एक्सरसाइज 10.3 का अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होने लगा, जो कि कहता है कि यदि वेक्टर ए इजकल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप तथा वेक्टर बी इजकल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तब सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेपगत करो। तो जरा ध्यान से देखा, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। देखना, दिया है कि वेक्टर ए इजकल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। उसके बाद हम लिखेंगे वेक्टर बी इजकल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, फिर ये कहता है कि सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेपित, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप कैसे निकाला जाएगा, जरा ध्यान से देखना। देखिए, ऊपर तो हर एक कंडीशन में रहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लेकिन अगर यहाँ पर बी पर प्रक्षेप है ना, तो बटे में क्या रहेगा, बी वेक्टर बी, वेक्टर बी का मॉड। अगर ए पर प्रक्षेप होता तो बटे में रहेगा वेक्टर ए का मॉड, याद रखना। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी की हम वैल्यू पुट करेंगे, देखना जरा ध्यान से। वेक्टर ए का मान ये है, तो ये वाला रखा जाएगा क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, बहुत ईजी है, जरा ध्यान से देखना। उसके बाद वेक्टर बी की वैल्यू ये वाली रखेंगे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अपान वेक्टर बी का मॉड। तो इसका मॉड कैसे निकाला जाता है, जब भी किसी सदिश वेक्टर का मॉड निकाला जाए तो याद रखना, आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक होते हैं, उन गुणांकों का स्क्वायर करके रूट के अंदर ऐड कर दिया करो, अंडर रूट के अंदर ऐड कर दिया करो, वही कहलाता है मॉड या परिमाण, मापांक भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए, आई का गुणांक क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आई का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, के का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखना जरा ध्यान से। हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके, आज भी आपको बता रहे हैं, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, यानी जब सेम के वेक्टर की गुणा हो रही हो, डॉट गुणा, तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्या होती है, 1। ठीक, उसके बाद हमने क्या बताया था, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, मतलब जब अलग अलग कै वेक्टर की डॉट गुणा हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसलिए हम जान बूझ कर वही काम करेंगे जिसकी वैल्यू 1 आ जाए, और 0 वालों हम कैंसिल कर देंगे, 0 वालों का हम मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। तो देखिए, हम सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, आई का मतलब आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ कर देंगे, जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ कर देंगे, के कैप वाले का के कैप वाले के साथ कर देंगे डॉट गुणा, और बस आंसर आ जाएगा। और हम ये नहीं करेंगे कि आई का जे के साथ, फिर आई का के साथ, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है इनका मान क्या होता है, 0 होता है, टर्म 0 हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो इस वजह से सीधे से हम पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, 3 का 2 में कर दो, 3 दूनी 6, ठीक, आई डॉट आई, आई का क्लियर हो गया। अब सीधे 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, जे डॉट जे, अब 12 एकन 12, के डॉट के, ठीक, अपान में क्या रहेगा, 4 प्लस 4 प्लस 1, तो देखिए 6 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 रहेगी ना, 8 इंटू 1 और 12 इंटू 1 अपान 4 4 8 और 1 9, तो ऊपर रहेगा 6 एकन 6 8 एकन 8 12 एकन 12, और 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3। इसको मिटा दें, आप नोट कर लेना इसे, ठीक, तो ऊपर बनेगा 12 8 20 और 6 26, 12 8 20 और 6 26, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर का जो प्रक्षेप है वो कितना होगा, 26/3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का मत आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक संपूर्ण त्रिभुज के शीर्ष हैं तथा त्रिभुज के शेष दो कोण भी ज्ञात करो।
आपको बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर में आता है, और क्वेश्चन तो ये लेंथी है लेकिन इजी बहुत है, याद रखना। तो जरा ध्यान से देखना। तो हम मान लेंगे हमें अभी त्रिभुज नहीं पता, तो हम एक त्रिभुज का नाम रख देंगे। हमने माना कि त्रिभुज एबीसी है। क्या है? त्रिभुज एबीसी है। यहाँ लिख देंगे, अब लिख देंगे इसलिए गिविन दैट में क्या क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदुओं, शीर्ष बिंदुओं ए बी व सी के स्थित सदिश क्रमशः कौन कौन से हैं, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये बिंदु ए का हो जाएगा। दूसरा क्या है, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये बिंदु बी का हो जाएगा। तथा तीसरा क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये बिंदु सी का हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि मूल बिंदु ओ है। मूल बिंदु क्या है, ओ है, इसलिए मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए का स्थित सदिश कैसे लिखा जाएगा, याद रखना। लिखा जाएगा वेक्टर OA, वेक्टर OA जो कि कितना रहेगा, ये वाला 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक, उसी टाइप से मूल बिंदु ओ के सापेक्ष त्रिभुज के शीर्ष बिंदु बी का स्थित सदिश क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ओ बी। ठीक, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष तो कितना है, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप। उसी टाइप से मूल बिंदु ओ के सापेक्ष त्रिभुज के शीर्ष बिंदु सी का स्थित सदिश क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ओ सी क्या रहेगा, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। अब लिखें त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के सदिश, जरा ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले भुजा ए बी का सदिश, भुजा चल यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के सदिश क्रमशः। तो सबसे पहले भुजा ए बी का सदिश वेक्टर ए बी रहेगा। लिखा कैसे जाएगा देखना, बी बाद में है तो बिंदु बी का ऐसे सदिश ओ बी माइनस बिंदु ए का ऐसे सदिश ओ ए। ठीक, लिखने का यही तरीका है, बी जो बाद में उसे पहले और जो पहले उसे बाद में, चिन्ह रहेगा बीच में माइनस। ठीक, तो ए बी की वैल्यू है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। उसके बाद ओ ए की वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस जे कैफ। ठीक, का नाम वो सही वैल्यू है आई कैफ माइनस 3j कैफ माइनस 5k कैफ 2i कैफ। ठीक, और ये ब्रेक, ये चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हम क्या करेंगे, 2i से 1i घटेगी तो माइनस आई कैफ बचेगा। ठीक, 3j कैफ से, अब 3j कैफ से 1j कैफ प्लस का ये घटा देंगे तो बचेगा 2j कैफ। ठीक, अब 5k कैप और 1k कैप कितना हो जाएगा, 6k कैप। क्लियर यहाँ तक? ये वेक्टर ए बी का सदिश निकाल दिया हमने। अब हम इसका निकालेंगे मॉड। तो कैसे निकालेंगे, चाहो तो ओनली ए बी लिख दो, ये मॉड ही कहलाएगा, या फिर वेक्टर ए बी पर मॉड लगा दो इस टाइप से। ठीक, ये मतलब ए बी को मॉड ए बी भी कहते हैं। लिखेंगे कैसे, बताया हमने आपको, आई का गुणांक है -1 तो -1 का स्क्वायर, जे का गुणांक है -2 तो -2 का स्क्वायर, के का गुणांक है -6 तो -6 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? इसको मिटा दें तो जब ये वैल्यू पुट सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 6 रंग 36,
तो ये बनेगा 36 और 4 40 और 1 41, यानी अंडर रूट 41 बना वेक्टर ए बी का मान। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ए बी के बाद लिखेंगे बी सी, भुजा बी सी का सदिश। तो कैसे लिखा जाएगा, ओ वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, ठीक सी बात में। तो पहले लिखा जाएगा ओ सी की वैल्यू है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप और ओ बी की वैल्यू है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ध्यान से देखना जरा, ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। 3 से 1i घटा दो 2i कैप, 4j कैप से 3j कैप घटा दो ओनली 1j कैप और 5 से 4k कैप घटा दो तो प्लस का के कैप, ठीक। अब भुजा बी सी का जब मॉड निकालेंगे तो बी सी कहलाएगा या फिर वेक्टर बी सी पर मॉड लगा दो, एक ही बात है, ठीक। तो आई का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, वाई जे का माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 + 1 ये निकल के आया अंडर रूट 6, यानी जो बी सी की वैल्यू निकल के आई वो अंडर रूट 6। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार भुजा सी ए का सदिश वेक्टर सी ए, कैसे लिखा जाए, वेक्टर ओ ए इस माइनस वेक्टर ओ सी, ठीक। तो ओ ए की वैल्यू क्या है, देखना ओ ए की वैल्यू है कनम ये वाली है ना, यहाँ से देख लेते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। उसके बाद ओ सी क्या है, ये वाली 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। इसको मिटा रहे हैं तो ये बनेगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप, ठीक। 3 से 2 घटा दो i कैप, 4j कैप से 1j कैप घटा दो 3j कैप और 4 और 1 5k कैप। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसका मॉड निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जगह कम है। तो इसको लिखेंगे सी ए इजक्ल टू वेक्टर सी ए इजक्ल टू आई का गुणांक माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 1 + 9 + 55 = 25। तो 9 × 10 = 25 अंडर रूट 35 निकल के आया, ये भुजा सी ए निकली। अब देखिए समकोण त्रिभुज तभी होगा जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो। तो ज़रा ध्यान से देखना, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए बी, क्योंकि इसकी वैल्यू है अंडर रूट 41। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय को साइड दिखाएं यहाँ पर अप्लाई करें, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, क्योंकि वो कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा ए बी का स्क्वायर शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए बी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 41, बी सी अंडर रूट 6, सी ए अंडर रूट 35, ठीक। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो 41 6 प्लस 35, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों साइडें हमारी कैसी आ रही हैं, सेम LHS बराबर RHS, यानी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, क्वेश्चन ये कहता है कि शेष दो कोण भी ज्ञात कीजिए, तो जरा ध्यान से देखना कैसे। देखिए अगर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तो इसे कुछ ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से। तो इसमें AB क्या रहेगी, बड़ी भुजा AB रहेगी, तो हमने इसे कह दिया पहले AB और बाद में इसे कह दिया C। तो C तो एंगल क्लियर है, C कितना है 90 डिग्री है ना।
अब कहता है कि शेष दो कोण ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो। कोण ए का मान पूछ रहा है और कोण बी का मान पूछ रहा है, समझना जरा ध्यान से। तो भुजा ए बी का सदिश क्या था, लिखते हैं। तो देखिए भुजा ए बी सी के ये सदिश हमने निकाले थे, ए बी इज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू इतना, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू इतना, वेक्टर सी इज इक्वल टू इतना, ठीक। तो अगर क्वेश्चन हम कोण ए की बात करूँ तो देखिए कोण ए को निकालने में किन दो भुजाओं का सपोर्ट होता है, देखिए ज़्यादा ध्यान से। अगर कोण ए को देखें तो देखिए कोण ए तभी बनेगा जब भुजा ए बी और भुजा ए सी साथ दे, या सी ए साथ दे, कहने का मतलब या तो ए सी कह ले या सी ए कह ले, ठीक। अगर ये दोनों भुजाएँ साथ दें तो तब तो, या सी ए भुजा साथ दे तो तब तो क्या हो सकता है, कोण ए का निर्माण होता है। किससे मिलने से निर्माण होता है, भुजा ए बी व भुजा सी ए के मिलने से किसका निर्माण होता है, कोण ए का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम भुजा ए बी और सी ए को देखेंगे कोण ए के केस में। तो एक चीज़ देखना, अगर हम इसे मान लें तो कोण ए के लिए यहाँ पर लिख लें, तो सबसे पहले हम भुजा ए बी को देखेंगे। भुजा ए बी है हमारी माइनस आई कैप टू जे कैप माइनस छः के कैप, इसे हमने मान लिया वेक्टर ए, ठीक। उसके बाद भुजा सी ए को अगर हम देखें तो लिखा है माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, इसको हमने मान लिया वेक्टर बी, ठीक। अब माना कि कोण, माना कि कोण ए इज इक्वल टू थीटा, तो इसलिए अगर हम एक फार्मूला होता है कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड इनटू वेक्टर बी का मॉड, इस टाइप से, ठीक। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो जरा ध्यान से देखना, वेक्टर ए का मान क्या है, माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप और माइनस सिक्स के कैप। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। मॉड कैसे निकालेंगे, ए का मान है तो आई का गुणांक माइनस वन का स्क्वायर, जे का गुणांक माइनस टू है तो टू का स्क्वायर, के का गुणांक माइनस छः है तो माइनस छः का स्क्वायर, इंटू माइनस वन है गुणांक माइनस वन का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर हो जाएगा और ये पाँच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसे गुणा करें, देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक, एक एकन एक, डायरेक्ट गुणा कर रहा है क्योंकि हमें पता है आई डाट आई वन होता है, तो एक एकन एक, ठीक। माइनस प्लस माइनस, तीन दूनी छः, क्योंकि हमें पता है जे डाट जे वन होता है, सीधे डायरेक्ट कर रहा है, ठीक। माइनस प्लस माइनस, छः पंचे तीस, छः पंचे तीस, के डाट के वन होता है, तो ये रहेगा वन प्लस चार प्लस छः चरंग छत्तीस, ठीक। इसको मिटा दें और इनटू में वन प्लस तीन तिया नौ पचम पच्चीस, ठीक। तो का नाम ये बनेगा तीस छः छत्तीस माइनस एक हटा दो तो माइनस का पैंतीस अपान छत्तीस चार चालीस और दस इकतालीस और पच्चीस, मतलब ये पैंतीस हो जाएगा, ठीक। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस पैंतीस अपान पैंतीस एकन पैंतीस, एक ही रूट के अंदर लिखेंगे पैंतीस एकन पैंतीस, सांसे लगे तीन, पैंतीस चौक तीन चौक बारह, पाँच चौक बीस एक सौ चालीस और तीन एक सौ तैंतालीस, ठीक। ये किसके बराबर चल रहा है, खास कास थीटा को। देखिए कुछ सवाल कुछ भी आ सकता है लेकिन लगाने का तरीका यही रहेगा, याद रखना, ठीक। तो कोण ए की वैल्यू इतनी निकल के आई, सवाल कुछ भी हो लगाने का मेथड यही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कोण बी की, जरा ध्यान से देखना। अब अगर हम बात करें कोण बी का मान कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना, हमने ये त्रिभुज बनाया था, ठीक, और ये सी था, ए था, ये बी था, तो हम देख रहे हैं कि कोण बी को, कोण बी के, बी का निर्माण करने में कौन सी दो भुजाएँ साथ देती हैं, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। जब ये दोनों मिलती हैं इस पॉइंट पे तभी कोण बी का निर्माण होता है, यानी भुजा ए बी का सदिश और भुजा बी सी का सदिश यूज करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखना, हम लिख देंगे चूंकि
वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस छः के कैप। ठीक, इसको फिर हम मान लेंगे वेक्टर ए ही मान लेंगे चलो, और उसके बाद हो जाए बी सी का वेक्टर है माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको फिर हमने मान लिया वेक्टर बी। ठीक, देखना जरा ध्यान से। तो अगर हम लिख दें माना बी का कोण थीटा है, इस कोण को हम क्या मान लें थीटा, माना कोण बी इज इक्वल टू थीटा, तो एक फार्मूला होता है कास थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड, होता है ये। तो अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वेक्टर ए की जगह पर ये वाला मान आएगा, क्या है आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस छः के कैप। वेक्टर बी की जगह पर ये आएगा टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। उसके बाद वेक्टर ए का मॉड, तो इसका मॉड बता चुके हैं आपको, आई का गुणांक वन है तो वन का स्क्वायर, जे का गुणांक माइनस टू है तो माइनस टू का स्क्वायर, के का गुणांक माइनस छः है तो माइनस छः का स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं? इसको मिटा दें। अब आई का गुणांक टू है तो टू का स्क्वायर, जे का गुणांक माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर, के का गुणांक वन है तो वन का स्क्वायर। तो ये गुणा करने का आपको हमने सिंपल तरीका बता दिया। देखिए I का गुणांक वन है ना, इस टाइम कोई ना जहाँ पर कोई गुणांक ना हो और वन मानेंगे तो टू का वन में करेंगे, टू एक कण टू, हमें पता है I डॉट I वन होता है, चलो छोड़ रहे हैं। ठीक, माइनस माइनस प्लस दो एक कण दो, और हमें मालूम है कि J डॉट J क्या होता है, वन होता है, छोड़ दो उसे, माइनस प्लस माइनस और छः एक कण छः, हमें पता है K डॉट K क्या होता है, वन होता है, इसको भी हमने छोड़ दिया। ये बनेगा वन प्लस चार प्लस छः चरंग छत्तीस, और ये बनेगा चार प्लस एक प्लस एक, तो दो दो चार माइनस छः अंडर रूट इकतालीस, अंडर रूट का नाम चार एक पाँच एक छः। ठीक, तो छः में से चार गया माइनस का दो बचा, इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे छः कन छः छः चौक चौबीस, छः कन छः छः चौक चौबीस, यानी ये कास थीटा रहा, और इतना थीटा हमें निकालना है तो ये कास इनवर्स में जाएगा, है ना, तो माइनस टू अपॉन अंडर रूट दो सौ छियालीस, यही हमारा एंगल होगा। तो देखिए सवाल कुछ भी आ जाए, मतलब सदिश कुछ भी हो, अलग अलग हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ सवाल लगाने का तरीका यही रहेगा, इसी टाइप से आप लगाएंगे। और याद रखना ये सवाल आठ नंबर का आता है 110%। तो चॉइस के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा। ठीक, और कहीं पर भी फिजिक्स या मैथ में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दिया करना कि इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी समस्या को दूर करने का 110% प्रयास करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।